नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप लोग देख रहे हैं टेक बल। टेक न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूज आती है वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस का नया डिवाइस यानी वन प्लस 6 लगभग मई और जून के महीने में लगभग लॉन्च हो सकता है, और उसमें भी आपको नॉच देखने को मिल सकता है। ये ऐसा कन्फर्म हो गया है, क्योंकि जो वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है उसने अपने बीटा वाले वर्जन में नॉच का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से कन्फर्म हो गया है कि वन प्लस 6 में आपको नॉच का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अब सारे डिवाइसेस लगभग एंड्रॉयड के या कोई भी अब डिवाइस नॉच के साथ ही आएगा। और अगली न्यूज आती है ओप्पो की तरफ से। यहाँ ओप्पो ने अपने दो डिवाइस लॉन्च करने हैं, यानी ओप्पो इस बार अपने दो डिवाइस लॉन्च करेगा इस महीने में या अगले महीने में, वो है R15 और R15 माई ड्रीम एडिशन। दोनों ही डिवाइस बहुत ही अच्छे हैं, और शायद इसकी प्राइस 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में हो सकती है, क्योंकि दोनों डिवाइसेस में कैमरा और डिस्प्ले बहुत बढ़िया दिया गया है, और इसमें आपको प्रोसेसर भी बढ़िया मिलता है। तो बात कर लेते हैं R15 की। तो R15 में आपको हीलियो P60 प्रोसेसर मिल जाता है, और R15 MDE यानी माई ड्रीम एडिशन में आपको स्नैपड्रैगन का 660 यानी 6660 प्रोसेसर मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन की, जो कि अभी लीक हो चुके हैं। तो इसमें दोनों में आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी, वही 6.28 इंच डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं, और ये फुल HD प्लस है और 18:9 के साथ आते हैं। और इसमें दोनों में आपको लगभग 3400mAh और 3500mAh की बैटरी मिल जाती है, और दोनों ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज आती है Redmi Note 5 Pro की तरफ से। जी हाँ, Redmi Note 5 Pro, और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, Redmi Note 5 Pro लगभग कैमरा का डिज़ाइन, बैक डिज़ाइन उसका लगभग iPhone 10 की तरह है, और बस पीछे में फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया। तो Redmi Note 5 Pro यूज़र के लिए खुशखबरी है, क्योंकि Redmi Note 5 यूज़र को भी iPhone जैसा जेस्टर मिलने जाना है, यानी iPhone 10 जैसा जेस्टर भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको ऑन डिस्प्ले की मिलती है, जो कि फिजिकल की नहीं है, तो ऑन डिस्प्ले की मिलती है। तो इसमें भी आपको सेम iPhone 10 जैसा जेस्टर मिलने जा रहा है। कंपनी ने इसे खुद कहा नहीं है, और इसके अगले वर्जन यानी बीट, अगर आप एंड्रॉयड इसके बीटा वर्जन के यूज़ करते हैं, तो आपको बीटा वर्जन के 9.5 वाले बीटा वर्जन में ये मिल सकता है। अगर स्टेबल वर्जन यूज करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टेबल से बीटा वाले वर्जन में जाना अपग्रेड करना चाहते हैं अपने फ़ोन को, तो लिंक दिया गया ऊपर में, आप देख सकते हैं। Xiaomi ने इस बार 14 तारीख को Redmi 5 लॉन्च करने जा रहा है, और लाइव इवेंट देखना चाहते हैं तो आप वहाँ मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक हुए हैं, और हालांकि पिछले कुछ महीनों में के अंदर चाइना में Xiaomi ने Redmi 5 को लॉन्च किया था, और उसमें भी आपको उसमें आपको 18:9 का डिस्प्ले मिलता है, जो कि HD प्लस डिस्प्ले है। और इंडिया में इसको लॉन्च किया जाएगा तो शायद स्नैपड्रैगन का 450 वर्ज वाला जो प्रोसेसर है उसके साथ लॉन्च किया जाएगा, और इसमें आपको 2GB 3GB रैम और साथ 4GB रैम का भी ऑप्शन मिल सकता है। अगली न्यूज आती है जो कि बहुत अच्छी न्यूज है, आप अपने स्मार्टफोन से ही अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। कुछ ऐप्स डेवलप किए जा रहे हैं इंडियन और भी बहुत सारे देश के कंट्री मिलकर रिसर्च पर रिसर्च कर रहे हैं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन की मदद से अपना ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि आप अपना हेल्थ का ध्यान खुद अपने स्मार्टफोन से रख सकते हैं, और आने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और हाँ, अपने कमेंट जरूर अपने कमेंट बॉक्स में एंटर कर दीजिएगा। तो तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।